मैं आपको यही बोल रहा था, जब एक आदमी चिल्लाता है तब उसका डिसिप्लिन लेवल होता है 90। 90 के नीचे अगर कोई किसी एक्सपोजर में है, वर्क में है या काम पे है, तो परमिसिबल लेवल्स है 8 घंटे का काम वो कर सकता है अगर 85 डिसिप्लिन पे होगा। अगर उसकी साउंड फिर ज्यादा हो जाएगी एक्सपोजर की 85 से 90, तो वो फिर सिर्फ 4 घंटे काम कर सकता है और वो भी 5 ही दिन हफ्ते में। सो ये एम्प्लॉय के लिए भी है, ये गौर करने की जरूरत है, और एम्प्लॉयर के लिए भी गौर करने की जरूरत है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये अगर जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ, ये दोनों कानों में होता है और फिर इरिवर्सिबल होता है। सो जो लोगों को ऐसे प्रोफेशन में है या जिधर उनको नॉइज एक्सपोजर है, उनको फ्रीक्वेंटली साल में 2-3 दफा कान का हेयरिंग का टेस्ट करना चाहिए ताकि ये प्रोग्रेस ना हो जाए, तो उस स्टेज पे वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। ये तो मेन थीम है आज के इस बात।